बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं मैं वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला, क्या कोई पूछेगा उसको, क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान के अवाम ने दी है उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया है। आइन बताया जाए, कानून बताया जाए और वजह बताई जाए हमें। इन्होंने जो भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की है पिछले 2 साल में वो नैरेटिव इनके मुंह के ऊपर पड़ा है। मैं बरमला इजहार करता हूं, आप मार तो हमें सकते हैं लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। कोई तरीका नहीं, कोई वजह नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जो हमें मजबूर करेगा कि हम आपके सामने सर निकू करें। मार दें कोई बात नहीं है, मुझे कहें कि कहाँ आऊँ मैं, मेरे सीने में गोली मारिए, जहाँ चाहते हैं हमारे, मरने को तैयार है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका जी। मुझे मेरे भाई ने बहुत कुछ कह दिया है, काफ़ी कुछ कह दिया है। मुझे ये भी नहीं समझ आएगी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। पिछले 2 साल में जो हमारी पार्टी के साथ हुआ है वो मेरा ख्याल है कि किसी से ढका छुपा नहीं है। ये और बात है कि हमारी आवाज़ों के साथ मीडिया की आवाज़ को भी मज़ल किया गया है और मीडिया भी शायद वो सब कुछ नहीं लिख सका, वो सब कुछ नहीं बोल सका जो आप लोग कहना चाहते होंगे या लिखना चाहते होंगे। इसके साथ साथ बाकी भी तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं इस वक्त वो भी आपके सामने हैं कि इस मुल्क में इदारों के साथ क्या हो रहा है, इदारों को किस तरीके से डिसफंक्शनल किया गया है, इदारों की कैसे तस्दील की गई है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान के आवाम की कैसे तस्दील की गई है। मैं चाहूँगा कि 2-1 साल का जो एक नैरेटिव है वो आपके साथ बयान करें। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत को इन्होंने गिराया है उसके बाद से रियासत का जो जबर, जो जुल्म और जो फसाइत पीटीआई के ऊपर नाजिल हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि साउथ एशियन रीजन में उसकी कोई मिसाल मिलती है, उसका कोई पैदल मिलता है। मैं सोचता हूँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ याद नहीं आती, कोई ऐसा जुल्म याद नहीं आता जो कि रवा नहीं रखा गया पीटीआई के ऊपर। हमारे लोगों को इन्होंने खासकर 9 मई के सब बाद जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके अलावा वो है कुछ नहीं है, क्योंकि बसा अवकात हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद, हमारी सबमिशन के बावजूद के एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो उस कमीशन की एक ट्रांसपेरेंट और फ्री इंक्वायरी करे और उसके बाद मुजरमीन का जो है वो तायुन किया जाए और फिर सजाएं दी जाएं। ये शख्स वाहिद जो है वो बैठा हुआ जहां भी, जिस घरौंदे में बैठा हुआ है, जिस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है या जिस शेडो के पीछे छुपा हुआ है, वो कहता है कि जी जो मैं कहूँगा वही हकीकत है और बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम कहेंगे वो कोई मीनिंग नहीं रखता। तो जमहूरियत की स्मोक स्क्रीन के पीछे एक इंफरादी जो डिक्टेटरशिप है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो रवा रखी गई है और ये 2 साल से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के आवाम जो हैं इसको कबूल कर लें, लेकिन पाकिस्तान के आवाम ने हर उस कदम के ऊपर जबकि उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती थी, उन्होंने अपनी लाउड एंड क्लियर तरीके से बताया कि हम ये शख्स वाहिद की हुकूमत, शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करते, हम इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं और हम इस मुल्क में जमहूरियत ले कर रहेंगे। आप 8 फरवरी को जब आवाम को मौका मिला कि वो अपने वोट की ताकत से अपने हुक्मरान चुने तो वो आपके सामने है कि उनका जो किस पलड़े में उन्होंने अपना वजन डाला था। 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने पीटीआई को की थी और ये इसके बावजूद कि उस वक्त ऐसी हुकूमत जो है जो इलेक्शन करवा रही थी जिसको सो कॉल्ड केयर टेकर हुकूमत कहा जाता था, वो पीटीआई के ऊपर जुल्म और जबर की वजह बनी हुई थी। उसी के ज़रिए, उसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए पीटीआई के ऊपर वो तमाम जुल्म और जबर वो किया जाता रहा था। उसके बावजूद आवाम ने अपना जो हक़े वोट था वो अदा किया और उन्होंने पीटीआई को दिया, लेकिन रात के अंधेरे में वो हमारा वोट चुनाव छीना गया। इससे पहले पीटीआई के लोगों को किडनैप किया गया, पीटीआई के लोगों को टॉर्चर किया गया, पीटीआई के लोगों से फोर्स किया गया कि वो पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ को बदलें, पीटीआई की पॉलिटिकल स्पेस को ख़त्म किया गया, पॉलिटिकल पार्क पीटीआई के लोगों के घरों के ऊपर उनको अटैक किया गया, वेंडलाइज किया गया, औरतों की इज्जत जो है उसकी तजलील की गई, घरों की चार दीवारी की तजलील की गई। कोई वो जुल्म नहीं था जो कि रवा नहीं रखा गया। उसके बावजूद जो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जी पार्टी को ख़त्म करना है, पीटीआई की लीडरशिप को ख़त्म करना है। उसमें मैं तमाम लीडरशिप को कॉम्प्लीमेंट करूंगा, खासकर उमर साहब को जो मेरे दाएं तरफ बैठे हुए हैं, जिन्होंने एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी ना सिर्फ के इसको इकट्ठे रखा बल्कि इसको ताकतवर भी बनाया।
ये पी टी आई को ख़त्म नहीं कर सके। पी टी आई के लोग जो थे, पी टी आई के जो फॉलोअर्स थे, पी टी आई के जो चाहने वाले थे, उनके जज्बे को, उनकी कमिटमेंट को ये ख़त्म नहीं कर सके, कमज़ोर नहीं कर सके। और उन्होंने 8 फरवरी को अपना वोट की ताकत से अपना फैसला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इम्प्लीमेंट करने में फिर शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप जो थी, डिक्टार थी, वो माने हुई, और इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, वो इलेक्शन कमीशन हो या वो पाकिस्तान के बाकी और इदारे हों, जुडिशरी हो, उसकी वसातत से उन्होंने अपने वो फैसले जो है मनवाए जो कि शख्स वाहिद करना चाहता था। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ ही ये जुल्म नहीं किया, बल्कि मुल्क पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के साथ भी जुल्म किया है। इन्होंने हर वो तरीका रवा रखा है जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो, जिससे पाकिस्तान जो है वो अपनी शाइनिंग प्रिंसिपल्स जो है उसके मुताबिक आगे ना बढ़ सके। मेरा ख्याल है कि मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, मैं, वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला, क्या कोई पूछेगा उसको, क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान के अवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया है। आइन बताया जाए, कानून बताया जाए, वजह बताई जाए हमें। आज भी जब हम यहां बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैं एक टेलीविजन के दफ्तर में मैं गया था। उस दिन मेरा ख्याल मालिक साहब के साथ मेरा, वहां से मैं बाहर निकला हूं, मैं अपनी गाड़ी की तरफ वॉक कर रहा था, तो मेरे पीछे ये 4 लोग थे, अगर मैं गलत हूं तो बच्चे बता दीजिएगा, 3 थे या 4 थे। ये आए हैं, इन्होंने बहुत एग्रेसिवली मेरे साथ डील किया, मुझे पकड़ा है, मुझे मुक्के मारे हैं, एंड दे वर्चुअली पुश्ड मी टुवर्ड्स माय कार। मैं किसी तरीके से गाड़ी में, मेरे पास रिमोट था, मैंने खोल के गाड़ी में बैठ गया हूँ और मैं चला गया हूँ। उस वक्त मैंने नोटिस नहीं किया कि क्या बात है क्या नहीं, तो हालांकि धमकियाँ वो दे रहे थे, मुझे गालियाँ भी दे रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। उसके बाद कल ये वाकया जो कि उमर साहब ने बताया आपको कि मैं वहाँ से निकला हूँ और जो कुछ हुआ वो CCTV फुटेज के ऊपर बिल्कुल है, और वहाँ भी कह रहे थे जी कि हम आपके पीछे हैं, हम तो आपको तलाश कर रहे थे, आप हमें मिले नहीं हैं 2 दिन, आज हमने तलाश किया। सो ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट है वो कराई गई। दे वेंट फॉर माई जैगुलर, उनका जो जाविया था अटैक का वो इसको था कि यहाँ काटे, गला काटे। वो उस वक्त मैं, अगर आप CCTV फुटेज देखें तो आपको देखेंगे कि उस वक्त मैं डक कर गया, जब ये अटैक लगा मुझे उसमें डक कर गया, उसकी वजह से ये हिस्सा मेरा बचा और वो जो था वो उनका जाविया जो था अटैक का वो आके यहाँ मुझे लगा। तो जो भी है ठीक हो जाएगा ये भी, लेकिन मैं एक बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि ये तो जो ज़ख़म है ये मायल हो जाएगा, ये ज़ख़म शायद नज़र भी ना आए, लेकिन जो घाव लगाए हैं शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क, इस रियासत की रूह के ऊपर, इस रियासत के लोगों की रूह के ऊपर, वो ऐसे ज़ख़म है, वो ऐसे घाव हैं जो मायल नहीं होंगे। 1971 का सानिया को बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, और आप देखें कि ये रिपीट है। वहाँ भी शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उसकी पार्टी को, अवामी लीग को 162 में से 160 सीटें मिली थी, और उसको वादा किया गया था जी कि हम कन्वीन कर रहे हैं असेंबली का सेशन, लेकिन सेशन कन्वीन करने की बजाय उन्होंने फौजी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के ऊपर अब ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि एक पार्टी ऐसी है जो इन्होंने खुद बनाई हुई है, जो इनकी 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 जो गोद में जिन्होंने परवरिश पाई है, वो लोग वो इनकी इनकी जो कहते हैं मांग जो होती है उसकी वो उसकी ताबे हैं, और वो उन्होंने उसकी, हमारी जो पार्टी जो कि जीती हुई थी उसकी जगह उन पार्टीज़ को इन्होंने हुकूमत में डाल दिया है। लेकिन जो नैरेटिव है वो एक ही है कि मैं हूँ, मैं इस मुल्क का मालिक हूँ, मेरी डिक्टाट चलेगी, कोई और हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरी डिक्टाट के बगैर। कब तक मानेंगे हम, कब तक हम अपना सब सर जो है वो इनके सामने सर निगूं करते रहें और कहें कि चले ठीक है आप कुछ दिन और कर लीजिए। वो वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि सारी कौम को खड़ा होना पड़ेगा, सारी कौम को बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेरी ज़िंदगी का या किसी और इंडिविजुअल की ज़िंदगी का सवाल नहीं है, यकीन जानिए मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, ये रियासत की सर्वाइवल का और रियासत के आगे बढ़ने का सवाल है, और ये पाकिस्तान के तमाम अवाम के मुस्तकबिल और उनके उनकी 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 उनके आगे बढ़ने का सवाल है। रियासत को इन्होंने बंद गली में मतलब पुश कर दिया है, वहाँ वो बंद गली में खड़ी है और उनको हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा।
इन्होंने जो भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की है पिछले दो साल में, वो नैरेटिव इनके मुंह के ऊपर पड़ा। कोई नैरेटिव जो है वो कामयाब नहीं हो पाया। क्या क्या नहीं इन्होंने करने की कोशिश की पॉलिटिकल पार्टी के साथ, हमारे साथ क्या नहीं करने की कोशिश की, तमाम नैरेटिव इनका जो है वो नाकाम हो चुका हुआ है। मैं ज़्यादा देर नहीं आपका टाइम लूँगा। मैं बेसिकली, मेरा जो बेसिक इंटेंशन है वो ये है कि जो साहिब इक्तदार लोग हैं जो इस वक्त यहाँ इंडिविजुअल की डिक्टाट नो फर्द वाहिद की डिक्टाट को इम्पोज कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेरी उनसे ये कहे कि ये आप इस सारे चक्कर में नाकाम हो गए हैं, आपने बदनामी कमाई है। आज आप सोशल मीडिया के ऊपर जाइए कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है, वो पाकिस्तान के अवाम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम से। तो मेरी उनसे मैं मुखातिब हूँ और उनको कह रहा हूँ कि अपने गरिबान में झांकिए, अपनी तरफ देखिए और देखिए कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं, आपसे क्या क्या गंभीर गलतियाँ हुई हैं, और आप इन गलतियों को आगे बढ़ाने की बजाय, फर्दर परपेचुएट करने की बजाय इनको ख़त्म करें और अवाम के मैंडेट की जो है वो तौहीन ख़त्म करें, अवाम का मैंडेट जो है उसको एक्सेप्ट करें और उसके मुताबिक एक जमहूरी हुकूमत जो है उसको तश्कील दी जाए। इसके अलावा जो उमर साहब ने जो कुछ फरमाया है वो बिल्कुल अपनी जगह पे मुकदम है, FIR के हम रिजेक्ट करते हैं, और जो कुछ इन्होंने कहा है मैं उनको रिएट्रेट करता हूँ। और खान साहब की मार्फत से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो हमारा जोश और जज्बा है ये उसकी महरून मन्नत है, उस शख्स की, वो इस शख्स की जो 9 महीने से एक काल कोठरी में बेगुनाह पड़ा हुआ है। ये हमें जो सिखाया है, आज जो हम खड़े हैं, आज हम अपने पाँव पे खड़े हैं और आज हम ये बात कर रहे हैं, जो हौसले और हिम्मत के साथ बात कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है। और उन्होंने कहा था, उन्होंने कौम से कहा था कि जी मैं ना खुद झुकूंगा ना आपका सर झुकने दूंगा, और हम आज उन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक हम बैठे हुए। मैं बरमला इजहार करता हूँ, आप मार तो हमें सकते हैं लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। कोई तरीका नहीं, कोई वजह नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जो हमें मजबूर करेगा कि हम आपके सामने सर निकू करें। मार दें, कोई बात नहीं है। मुझे कहें कि कहाँ आऊँ मैं, मेरे सीने में गोली मारिए, जहाँ चाहते हैं हमारे, मरने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी कमिटमेंट, अपना जो हमारी हमें जो सिखाया गया है, जो चीज़ हम ले कर चले हैं, जिस तरीके से हम मुल्क को आगे ले कर जाना चाहते हैं, मैं और सब जो हमारी टीम है, मैं यकीन दिलाई आप इन सब से बात करके देख लीजिएगा, कोई किसी सूरत में सर निगू नहीं करेगा अपना, कोई नहीं झुकेगा, कोई जुल्म और जबर के सामने नहीं झुकेगा, कोई फसाइत के सामने नहीं झुकेगा। हम कायम हैं, हम उस पाकिस्तान की तकमील के लिए कायम हैं जिसका ख्वाब कायद आजम ने देखा था और जिसकी तकमील जो है वो इमरान खान साहब कर रहे थे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इन्हीं फसताई ताकतों को उसी शख्स से बात करनी होगी जिसके पास रियासत के मुस्तकबिल की कुंजी है।